हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ इट्स ओनर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज कितने दिनों के बाद मैं मॉर्निंग में जल्दी उठी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7 बज गए हैं और मैं 6 बजे उठ गई थी। मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, झाड़ू पोछा इवन चाय वगैरह सब कुछ। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि दीदी आज इतना जल्दी क्यों उठ गए हैं, तो उसका भी एक रीज़न है। और अभी मुझे होना है रेडी, तो पहले मैं हो जाती हूँ रेडी। और आज मैं पहनने वाली हूँ ग्रीन कलर का सूट, जो कि आपको थोड़ी देर के बाद मैं पूरा मेकअप लुक आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। और हाँ, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दूँ, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। और थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा वीडियो में कि आज क्या है और क्यों मैं इतना जल्दी उठी और रेडी वेडी होके जा रही हूँ। और हाँ, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी भी ली है। तो चलिए रेडी हो जाते हैं, फिर आगे की सारी बात आप लोगों को बताते हैं। फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा लुक, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड ये वाला ग्रीन कलर का सूट मैंने पहना है। मैंने आपको बताया था कि मैं ग्रीन कलर का सूट वेयर करूँगी, तो कुछ खास नहीं है बट सिंपल ही है, पर फिर भी अच्छा लग रहा है। वो दुपट्टे की वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है और दुपट्टा इसका पूरा कलरफुल है। ये मैंने इंदौर से परचेज़ किया था काफ़ी टाइम पहले और आज मैं इसको पहन रही हूँ। तो चलिए अब यहाँ से चलेंगे मंदिर। और दीदी और ये सब लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं और लाइट पता नहीं कैसी आ रही है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो जब मैं मंदिर जाऊँगी तब मैं आप लोगों को सबसे मिलवाऊँगी, और दीदी से मिलवाऊँगी, हमारे छोटू बेबी से मिलवाऊँगी, और सभी लोग वहाँ पर हैं, तो सारे गेस्ट वगैरह आ चुके हैं। तो चलिए अब मैं भी वहाँ पर पहुँचती हूँ और वहाँ जाकर आप लोगों से बात करती हूँ। हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर और यहाँ पर पंडित जी सारी तैयारी करने में लगे हैं और हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं नाश्ता। तो उधर देख सकते हो दीदी और जीजू बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, इधर आंटी जी बैठे हैं और मैंने नाश्ता ऑलरेडी कर लिया था। तो चलिए, बासी आदमी नहाए नहीं। और वो दीदी और जीजू जिनका आज प्रोग्राम है, हमारा बच्चा गायब है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग अभी बिजी है, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, अभी हवन वगैरह स्टार्ट होने वाला है, तो बस उसी की तैयारी में लगे हैं सब लोग। और मम्मी थोड़ा सा गुस्सा है और ये पागल आते हैं तो घर में प्रोग्राम है और इतना मतलब काम हो जाता है। और बाबू हो रहा हमारा दीदी के पास में, एक आयरा इधर आ, मैं ले रही हूँ, मेरे को दे दो इसको, चला जा। ये ऐसा, ये घोटू ने ऐसा कुर्ता सिला कि बाबू को आया नहीं, ये मुझे दिख रहे बाबू इधर। दीदी पकड़ के छाई, हाँ ये कायरा क्यों दे दे आपको, दे दे आपको, गोदी नहीं लगा, अभी नहीं मिलेगा। पहले बोल दो सबको हेलो, कैसे हो आप सब लोग, कैसी लग रही हूँ मैं, ये पूछ लो कैसी लग रही हूँ मैं, तेज बोल, तेज की बात कर, कैसी बात कर रही हूँ, कैसी लग रही हूँ मैं, क्या हो रहा है, मंडे शो पूरा प्रोग्राम है आज, क्या हो रहा है, तो मैं अच्छे से तैयार होके आया हूँ, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, खड़ी होके दिखा दे सबको ड्रेस, चल खड़ी हो जा दिखा दे सबको, ये गायरा की ड्रेस है, अच्छी लग रही है ना, घूम के बताओ, घूमो पूरा, स्माइल करके बताओ, स्माइल फोटो वाला था, फोटो में स्माइल करती है, बस बस मशीन नीचे बैठ, स्माइल करो, शोरी बेबी के साथ भी अपने एक फोटो खींचे है ना, कि क्यों नहीं करेंगे बता दे, बोल दे, भूख लग रही है, जावा खाऊं क्या भाई, चोरी बाबू चोरी चोरी, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, गुर गुर के दिख रहा है तुझे, चल रहा है फोटोशूट, फोटोशूट की तैयारियां हो रही हैं। और उधर जीजू हैं, उधर कायरा हो रही है, झूला झूल रहे हैं, चलो चलो
ये मम्मी का आइडिया था कि हम सारा प्रोग्राम मंदिर पर ही करेंगे, तो काफ़ी अच्छा रहा। और मंदिर के चारों तरफ एक गार्डन बना हुआ है, तो उससे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बहुत इंजॉय किया हम सब ने। घर की झाड़ू निकाली, फिर मम्मी का थोड़ा बहुत जो काम था वो सब एक इकट्ठा करा सारा सामान मैंने, फिर उसके बाद में तैयार होने बैठ गई। मतलब मैं पहले तैयार हो जाऊँ। आपने बहुत महान काम किया, 4:30 बजे उठ के, इसलिए आपको पहली बार आपके पति की डांटनी पड़ी। इतने सारे काम करे हाँ। गाइस आपने देखा, एक दुख भरी औरत की कहानी सुनी आपने। ये रात को 4:30 बजे उठे हैं और तब से काम ही काम कर रहे हैं, तो फाइनली अब जाकर काम हुआ है, तभी तो ये सब टाइम पे हो पा रहा है, नहीं तो ये नहीं होता अगर दीदी इतना काम नहीं करते तो। और ये इनके पति देवे जिन्होंने बिल्कुल नहीं डांटा, अब ये बोलेंगे मेरा मतलब मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, आज नहीं बोलोगे? नहीं दिख रहा ना, कपड़े वपड़े पहनूंगा, उसके बाद देखेंगे। हाँ देख सकते हो। और ये हमारे न्यू मेंबर है जो हमारे ब्लॉग में पहली बार आ रहे हैं, और ये भी खुशी मैडम जी भी हमारे ब्लॉग में पहली बार आएंगे। बाकी तो बहुत सारे लोग उसमें जाने पहचाने हैं, लेकिन सबसे इंट्रोडक्शन कराएंगे अभी। कपड़े निकाल दो, कपड़े बन रही है देखिए। और इसने पागल ने पूरी चोटी बिगाड़ ली, और फोन में इतनी घुसी रहती है, और उधर हवर वगैरह चल रहा है। ए क्या है, रोना गाना क्यों? अरे अब अगर बॉल बिगड़े ना, इतनी पड़ी है मम्मी के हाथ की, पड़ गई है लड़की को। इसको केवल मामी के थोड़े से फोटो खिंचवाएंगे ना बस, उसके लिए बाकी तो फिर सब निकाल देंगे केवल। अब आज का दिन तो है केवल। क्यों फिर कहाँ जा रहा है? सॉरी रेडी हो गया, इसको छोटा सा कानू बनाया है, कानू बच्चा कितना प्यारा लग रहा है बब्बू, एक फोटो खींचने दो। सुन यहाँ पर हमने बाबू को रेडी कर दिया है, छोटा सा खाना बनाया है उसको। और आज मैंने तो ये आपको बताया नहीं कि क्या प्रोग्राम है, तो आज बाबू का अन्नप्राशन भी है और सूरज पूजा भी बोलते हैं वो भी है। तो यहाँ पर पंडित जी बता रहे हैं कि जो अन्नप्राशन होता है वो माँ के हाथों से ही होता है, तो दीदी यहाँ पर बाबू को अन्नप्राशन कराएंगे, उसके बाद बाबू का नामकरण किया जाएगा। तो बेबी का नाम रखा है, मतलब बाबू का नाम रखा है शौर्य, जो कि मम्मा पापा ने सोचा था उसके, तो यहाँ पर शौर्य नाम रखा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुरा मधुआधारिताय मधुजनति मधु मधुआ इसके अंदर आध्यात्मिक गुरु भी डालते रहेंगे, जब जब संपर्क में आएगा गुरु समय दान करेगा, अंश दान करेगा, गुरु जी के बताए नियम का पालन करते हैं, निर्देशों का पालन करेगा। सभी लोगों से प्रार्थना है कि बच्चे को अपने गोद में लें और उसको आशीर्वाद देंगे, हम तेरा लालन पालन करेंगे। पहले यहाँ से बोले तो यहाँ से बोला जाएगा। तो वहाँ पर हवन पूजा चल रही थी और शौर्य के मम्मी पापा और मम्मी वगैरह सब हवन में बैठे थे, और हम लोग यहाँ पर कर रहे थे मस्ती। तो यहाँ पर हम थोड़े से फूलों को तोड़ रहे थे, क्योंकि जब बाबू का नामकरण किया और उसके बाद में वो कुछ एक वो होता है, क्या बोलते हैं यार, विधि होती है वो जो करेंगे, तब उसके ऊपर सारे फूल वगैरह डालेंगे, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर तोड़ रहे हैं फूल। और मैंने बोला एक रील्स बना लो मेरी, तो कोई सुन नहीं रहा था, मुझे आ रहा था गुस्सा, तो मैंने कहा चलो भाड़ में जाने तो जिसको नहीं बनानी तो मत बनाओ, वैसे मेरा काम तो कोई करता नहीं है। उसके बाद में फूल वगैरह तोड़ने के बाद में यहाँ पर ये जो हाथ में कलावा बांधते वो बांधना था, तो सब लोगों को वो बांधा, और जीजू यहाँ पर सबको बांध रहे हैं देख सकते हो आप। और ये सचिन जी बैठे जो कि कैसे लग रहे हैं, भूत जैसे। मैं उनको बोल रही हूँ कि तुम किसी भूत से कम नहीं लग रहे हो, अपने बाल तो देखो। और यहाँ पर ये बैठा है हर्षित, और हर्षित को जीजू कलावा बांध रहे हैं आप देख सकते हो। और उसके बाद में ये सब करने के बाद में फिर खाने वाने की तैयारी था उधर साइड में चल रही थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और हाँ ब्लॉग पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ये जो फूल रखे ना वहाँ पर, जीजू मतलब दीदी को चिढ़ा रहे थे कि चलो मैं फिर से तुम्हें प्रपोज करता हूँ, तो दीदी बोल रहे थे कोई नहीं अब नहीं करना, सब बहुत हो गया पहले, अब तो बच्चा हो गया है। तो ऐसे ही दोनों आपस में मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो खाने में बन रहा है दाल बाफले लड्डू चावल एंड कड़ी, और क्या था, और
सैलेड था बस। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारे हलवाई जी यहाँ पर बना रहे हैं लड्डू बाफले। तो किस किस को खाने आ जाइए, मतलब अब तो यार वो तो एक दिन पहले का प्रोग्राम था तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर आप लोग आना चाहोगे तो मैं फिर से आप लोगों के लिए बनाऊँगी और आप सभी को भी खिलाऊँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आंटी वगैरह सारी तैयारी कर रहे हैं और ये अनार के दाने छिले जा रहे हैं क्योंकि ये पुलाव में डलेंगे इसलिए। तो यहाँ पर हमारा खाना बन रहा है, चलिए दीदी और जीजू से मिलवाते हैं। दीदी के साथ में ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा ना, मम्मा पापा के पापा भी चले जाओ उधर। कृष्णा के मम्मी और पापा।